Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School presents Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Hello dear students, I'm your SST teacher स्वाति राजपूत। स्टूडेंट्स, अब हम श्रीलंका की केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। इस केस स्टडी में हम श्रीलंका की बेसिक नॉलेज के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझेंगे और वो प्रॉब्लम क्यों रेज हुई और उसके बारे में जानेंगे, और फिर जानेंगे कि उस प्रॉब्लम को लोगों ने क्या रिएक्शन था लोगों का और उस प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे सॉल्व किया। तो ये सब हम इस केस स्टडी में पढ़ेंगे। तो पहले हम थोड़ा श्रीलंका के बारे में जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, श्रीलंका जो है वो एक इंडिया की ही नेबर कंट्री है। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। देखिए जो श्रीलंका है वो एक आइलैंड नेशन है और ये जो इंडिया में जो तमिलनाडु है उससे कुछ ही किलोमीटर दूरी पर जो सदर्न कोस्ट है, जो साउथ में जो कोस्ट एरिया है, तटीय एरिया है, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ है, यानी कि जितना हमारे जो इंडिया का स्टेट है हरियाणा, उसकी पॉपुलेशन के इक्वल ही है। देखिए स्टूडेंट, हर कंट्री की तरह श्रीलंका में भी कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बट यहाँ के जो 2 मेजर ग्रुप हैं जिनके बारे में हम इस केस स्टडी में पढ़ेंगे, तो वो पहला ग्रुप है सिंगला स्पीकर्स, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 74% है, और दूसरे हैं यहाँ पर जो मेजर ग्रुप है वो है तमिल स्पीकर्स, यानी कि तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग, जो कि टोटल परसेंटेज में 18% है। और यहाँ पर स्टूडेंट तमिल लैंग्वेज के भी 2 ग्रुप हैं, जो कि एक ओरिजिनल तमिल है, यानी कि जो श्रीलंका में ही पहले से रह रहे हैं, और दूसरे इंडियन तमिल्स हैं। ये वो लोग हैं जो इंडिया से श्रीलंका आ गए थे, और बाकी के बचे जो 7% हैं वो क्रिश्चियंस हैं जो दोनों ही लैंग्वेज को बोलते हैं। तो जो तमिल्स श्रीलंका में स्टार्टिंग से रह रहे हैं तो उनको श्रीलंकन तमिल्स करके बोला जाता है, जो कि 13% है, और बाकी के जो 5% है उनको इंडियन तमिल्स के नाम से जाना जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो तमिल्स हैं उसमें हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं, और जो सिंहला है उसमें केवल बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेंशन्स हैं, वो तब आने स्टार्ट हुए जब गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स वो बनाती थी वो मेजॉरिटी के फेवर में बनाना स्टार्ट कर दिया। इट मींस जो लोग माइनॉरिटी में थे उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और जितने भी रूल्स बनाए जाते थे वो मेजॉरिटी को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। अब स्टूडेंट्स, आप खुद ही सोचिए कि ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है जहाँ पर सारे रूल्स हैं जो मेजॉरिटी को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं और माइनॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। तो क्या जो लोग माइनॉरिटी में आते हैं वो क्या ये सब ऐसे ही सहते रहेंगे या फिर कुछ उसका रिस्पॉन्स करेंगे? तो यही हम देखेंगे कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई इन सब के चलते हुए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स के ऐसे कौन से रूल्स थे जो गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी के पक्ष में बनाए और जिसे जो माइनॉरिटी के जो पीपल्स थे, यानी कि जो तमिल स्पीकर्स थे, उनको प्रॉब्लम्स हुई। 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें गवर्नमेंट ने तमिल्स को इग्नोर करके जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया।
दूसरा क्या किया कि गवर्नमेंट ने इन लोगों को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया, यानी कि जो लोग मेजॉरिटी में थे सिन्हाला, तो उनको प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया और उनको स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन और जॉब्स में भी प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स उनको ईजिली जॉब्स वगैरह मिल जाते थे। इसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ और रूल्स ऐड किए जिससे कि वो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट कर सकें, और जो गवर्नमेंट थी वो भी बुद्धिज़्म का सपोर्ट करने लगी, और बाकी जितने भी रिलीजन्स थे वहाँ पर बुद्धिज़्म को छोड़कर उन सभी को गवर्नमेंट ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब जो रूल गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए, तो ऑब्वियसली इनका जो इम्पैक्ट था वो तमिल्स पर बहुत बुरा हुआ। उनको फील होने लगा कि गवर्नमेंट उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और उनके बारे में उन्होंने सोचना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तमिल्स को ये लगने लगा कि उनका जो रिलीजन है, उनका जो कल्चर है, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, और जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सब सिन्हाला बोलने वाले लोगों को ही सपोर्ट करती हैं। इन सब चीज़ों के चलते हुए तमिल्स को ये फील होने लगा कि जो उनके बेसिक राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है, वो उनसे छीने जा रहे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और उन्हें लगने लगा कि कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि उनको ना तो जॉब्स में प्रायोरिटी मिलती थी, ना ही एजुकेशन में प्रायोरिटी मिलती थी। तो इन सब चीज़ों के जो चलते जो तमिल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, और इन सब का रिज़ल्ट ये हुआ कि जो सिन्हाला और तमिल्स थे, तमिल्स कम्युनिटीज़ थी, उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो देखते हैं स्टूडेंट, जो तमिल्स थे उनका क्या रिएक्शन था और फिर क्या इस प्रॉब्लम का सलूशन हुआ, कैसे इसको उन्होंने सॉल्व किया। तो जो तमिल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब तमिल्स को मीटिंग करके फिर अपनी एक पार्टी उन्होंने बनाई, और उन्होंने फिर जो स्ट्राइक्स वगैरह थी वो करना स्टार्ट कर दिया। उनकी डिमांड्स थी कि जिस तरह से सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, उसी तरह से तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, और उन्हें भी एजुकेशन और जॉब में इक्वली ट्रीट किया जाए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, और कोई भी और डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना किया जाए। बट जो गवर्नमेंट थी वो उनकी डिमांड से एग्री नहीं हुई। इसके बाद जो तमिल्स थे वो अपने लिए एक सेपरेट कंट्री की मांग करने लगे। कहने लगे कि हम अपनी एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ भी तमिल्स की बात पर कोई रिस्पांस नहीं किया। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि स्टूडेंट दोनों ही कम्युनिटीज़ में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, और हज़ारों की संख्या में जो लोग थे वो मारे गए इस वॉर में, और बहुत से ऐसे लोग थे जो कंट्री छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए। तो ये जो सिविल वॉर श्रीलंका में हुई, तो इस सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका में बहुत नुकसान हुआ, वहाँ की इकनॉमी इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई, और जो वहाँ का कल्चरल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो श्रीलंका थी वहाँ पर सिविल वॉर हुई और बेल्जियम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कंपेयर करेंगे हम दोनों ही कंट्रीज़ को हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।